जबरदस्त राइड रही यार, ये चीज देखे ना फील होता है। और भाई अभी हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे शिकारा में बैठेंगे। ये देख लो यहाँ पे चल रही है चाय, और मयूर देखो कैसे टूट पड़ा है। आराम से खा अभी यहाँ पे हम पीते हैं चाय, और साहिल भाई ना हमारे लिए चाय कभी कुछ ला रहे कभी यार। जन्नत है, जन्नत में आ गए हम, दुनिया में जन्नत है तो यही है। एक टंकी खत्म हो चुकी है, अभी ना दूसरी टंकी फुल होने वाली है। हमें डल गेट में, और ना बारिश हो गई है स्टार्ट फिर से, तो आगे ना बहुत गंदे वाला सीन रहने वाला है क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। कल की तरह कल उम्र पर बारिश पड़ी थी, आज फिर बारिश स्टार्ट हो गई। चेक करो यार कितनी जोर हो गई है बसों। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सभी मस्त होंगे और होने भी चाहिए। तो फाइनली अभी हम उठे हैं, सोए हुए और तैयार वगैरह हो चुके हैं, और ये देख लो यहाँ भी चल रही है चाय, और मयूर देखो कैसे टूट पड़ा है। आराम से कहा शर्म कर बदतमीज बंदे, शर्म कर आराम से कहा। तो अभी यहाँ पे हम पीते हैं चाय, और साहिल भाई ना हमारे लिए चाय कभी कुछ ला रहे कभी कुछ ला रहे, तो जल्दी से पीते चाय और निकलते हैं। आज का हमारा प्लान था कैंपिंग करने का, बट बाहर का मौसम देख लो यार, बाहर का मौसम बारिश वाला है, तो जिसकी वजह से आज हमारा कैंसिल हो गया यार कैंपिंग का। तो अभी हम श्रीनगर चलेंगे, तो श्रीनगर से वगैरह घूम के फिर हम लास्ट के टाइम हम करेंगे कैंपिंग, तो देखेंगे क्या सीन रहेगा। अभी जल्दी से पीते हैं चाय, तो निकलते सीधा मिलता हूँ बाइक के ऊपर। सो फाइनली गाइस अपनी बाइक हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, तो दोनों बाइकें ना कोल्ड स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हम यहाँ से अपना सामान वगैरह आ चुका है यहाँ पर, और अभी हम यहाँ पर अपना सामान ले कर निकलेंगे यहाँ से शुभियान की तरफ, तो फिर सीधा निकलना है श्रीनगर की तरफ। और जो भी भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो चले लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर बता के जाना यार जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगे वीडियो का है। और अपना हो चुका है रेडी, ग्लव्स जैकेट ओके, हाँ चले ओके। सो ना अपनी बाइक गंदी बहुत हो पड़ी है यार, रात को बारिश में चली थी ना, उसकी वजह से ना सारा चिकट ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है साहिल भाई, फिर निकलते हैं ओके। तो अभी हमारे साथ चल रहे हैं साहिल भाई। भाई ये मेरा ना बाइक का स्टैंड जो है ना ये टूटा हुआ यार, इसके ऊपर ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। अब जल्दी से मुझे बारामूला भी जाना है, बारामूला शोरूम में, तो वहाँ से ये पार्ट मिलेगा। श्रीनगर और अनंतनाग में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कंफर्म करा था जम्मू में भी नहीं है। तो ये पार्ट ना मेरे को सिर्फ ही बारामूला में मिलने वाला है, ना तो बाहर से मिलने वाला, ना फिर ना ये मेरे को किसी और शोरूम में मिलने वाला है। तो फाइनली अभी निकल चुके हैं हम साहिल भाई के घर से, बाइक कितनी लोड हो चुकी है यार, और इन गलियों में ना बहुत ही आवाज आ रही है बाइक की। आज मौसम ना बारिश वाला हो गया है, शायद बारिश पड़ने वाली है, तो जल्दी से ना हमें श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि शोपियान में आज बारिश है, और शायद मे भी श्रीनगर में ना ही हो क्योंकि वहां पे काफी बारिश पड़ती है, और ये शोपियान थोड़ा सा पहाड़ी एरिया हिल एरिया है, तो ना शोपियान हिल एरिया तो यहाँ पे बारिश बहुत जल्दी पड़ जाती है। और रिएक्शन चेक कर लो गाइस, और ना इससे आगे मेरा एरिया, अपनी ज़मीन भी इधर ही है, यहाँ पे मैं आता बहुत ही कम हूँ। यो भाई ये क्या था, स्किड देखा साहिल भाई की बाइक, अरे भाई क्लोज कॉल हो गई थी। ये चेक करो, ये चेक करो भाई, साहिल भाई फुल फॉर्म में, कट चेक करो भाई, साहिल भाई की कट चेक करो, कटिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी वाली कटिंग कर रहे हैं। और जो इनकी मैंने राहत को स्टॉप ही देखी है ना यार, कतई कहर ही करते हैं, बट अभी इन्होंने छोड़ दिया यार, क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी प्यार इनका एक्सीडेंट भी हुआ है यार, लगी हुई इनको मैंने घुटने देखे यार ना, हालत ख़राब की हुई है इन्होंने, बहुत स्टॉप भी मारते हैं यार बहुत ही तगड़े वाली। ऐसे तो पूरे जम्मू कश्मीर का तो ऐसे मैंने किसी को नहीं देखा, जो ये स्टॉपी मारी है ना इन्होंने, तो ऐसे कोई भी नहीं मार रहा, ये कहकर नंबर वन यार स्टॉपी विली ये बंदा करता है। ये चेक करो भाई, ये चेक करो क्या कर रहा है लौंडा, हाँ जी अल्लाह हाफिज़ फिर।
जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, परसों मिले या ट्यूजडे या वेनेसडे को। अल्लाह हाफिज़। ओके ठीक है, आराम से जाना। हाँ ओके ओके। तो साहिल भाई वापस चले गए घर, तो हमें छोड़ने के लिए यहाँ तक आए थे। तो कैंपिंग का प्लान था हमारा आज बना हुआ था, बट डिले हो गया क्योंकि मौसम ख़राब हो गया यार, और कुछ ही टाइम में बारिश पड़ने वाली है छुपियन में, तो ना उसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा है। तो अभी हम श्रीनगर जाएंगे और उसके बाद बारामूला जाना है। तो वहाँ से होके ना हमारा सोच रहे हैं कि हम वहाँ से जब भी पूरा श्रीनगर वगैरह घूमने के बाद हम आएँ तो फिर कैंपिंग करें, और ना पहाड़ी एरिया पूरा हिल एरिया यार वहाँ पर करेंगे, और काफ़ी वहाँ पर बहुत ही औसम जगह है यार, जैसे साहिल भाई ने मेरे को वीडियो में बताया ना, बहुत ही तगड़ी लोकेशन है, बट वहाँ पे कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होगा यार, बहुत ही अच्छी जगह यार। और मेरा ये हैंडल देख रहे हो यार काम पर है बहुत ज़्यादा, और एक साइड बाइक खींचने हो रही है, पता नहीं क्या सीन है इसका, बट चलो देखा जाएगा जो भी हुआ। अब पहले हम श्रीनगर घूमते हैं, और मेरे को ना सबसे पहले इशू है बारामूला जाना पड़ेगा कल, क्योंकि कल मंडे है और शोरूम कल ही खुलेगा, मेरे बात की हुई है शोरूम से, तो वहाँ से अपना ना एक पार्ट चाहिए मेरे को बाइक का, स्टैंड ना बिल्कुल लग पा ही नहीं रहा, बहुत ही मुश्किल से बाइक को मैं रोक रहा हूँ, और ना बिल्कुल अगर इसके ऊपर वेट पड़ा स्टैंड के ऊपर तो ना स्टैंड दोबारा से टूट जाएगा, वैसे जुगाड़ करके मैं ना स्टैंड को लगाया हुआ है, तो अगर स्टैंड ही होगा तो बाइक खड़ी कैसे करूँगा, दिन भर मेरे को बैठना पड़ेगा ऊपर पे ही। और तुम लोग यार सपोर्ट करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कर दियो वीडियो को। और अभी ना टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी तो मैं सोच रहा हूँ श्रीनगर को रात को स्टे करेंगे, देखते हैं अभी क्या सीन है, क्या पहले श्रीनगर पहुँच जाएँ उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे क्या करना है क्या नहीं। बाईपास से ही जाएंगे यार, बाईपास के ऊपर ना ट्रैफिक थोड़ा कम ही होगा, और होगा भी तो चलो थोड़ी रोड तो बढ़िया, ये तो बिल्कुल छोटी रोड है, और इसके ऊपर ही अभी हम सुबह निकले होंगे, ट्रैफिक थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसके ऊपर भी, बट आगे हमें ट्रैफिक मिलेगा शायद मे बी। तो ना यहाँ पे ना हमें कुछ दो राइडर्स और मिल गए, तो जो ये भी कहीं बाहर के आए हुए हैं, एचपी नंबर है, अरे भाई इनका टायर देखो पीछे से क्या कर रहा है, पूरा ना बबलिंग कर रहा है यार, इनको बोल देता हूँ यार टायर आपका बहुत बबलिंग कर रहा है, कहीं तो इश्यू क्रिएट हो जाएगा कहीं रास्ते में, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और बंदू के शायद स्टैंड वगैरह सारा कुछ है। टायर आपका बहुत बबलिंग कर रहा है पीछे वाला, हाँ चेक करवा लो, नहीं तो हो सकता है कहीं इश्यू ना बने। कैसे हो भाई, बढ़िया। तो ना हमने उनको बता दिया यार, बोल रहे आगे कहीं शॉप पे चेक करवा लेंगे, नहीं तो मैंने बोला चेक करवा लो, नहीं तो लेह लद्दाख वाली साइड कहीं प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे मिस्त्री वगैरह नहीं मिलेगा, तो उससे पहले आप इधर ही कहीं बता दो मिस्त्री को, उनका ना मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना बैरिंग वगैरह टायर का ना ख़त्म हो गया होगा, तो अभी वो बबलिंग करता है टायर। अभी हम पहुँच चुके हैं पुलवामा, और यहाँ पे ट्रैफिक चेक करो यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार, आज संडे है फिर भी ट्रैफिक देख रहे हो कितना। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, और अभी चला रहा है मयूर बाइक, और कुछ व्यू चेक करो यार, बादल छाए हुए हैं और बारिश का मौसम है आज, बट बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, गर्मी वगैरह तो है नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है, और भाई ट्रैफिक ना इससे पीछे तो बहुत ज़्यादा था, अभी तो हम आ चुके हैं अच्छी रोड के ऊपर, अभी ना कोई टेंशन नहीं, बट बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही एंजॉय हो रहा है, और ये ना व्यू आप चेक करो यार कितना मौसम है, और बादल देख रहे हो कैसे छाए हुए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, चेक करो एक बार ये लोकेशन और मौसम ना बिल्कुल बादल वगैरह छाए हुए, बारिश होने वाली, बट आई बारिश नहीं होती तो ज़्यादा मज़ा था, और ये देख रहे हो ये बंदा ना बाइक ला रहा है, मैं आधे घंटे के लिए पीछे बैठूँ, सारा गारा टिकट सारा पीछे बैगन की वहाँ पर देख लो, ये और सारा पानी ऊपर चढ़ गया यार मिट्टी वाला, कैसी रही राइड भाई? राइड एक नंबर ही, लेकिन बारिश ने पूरा मौसम खराब था, ऊपर देख लो राइड का थोड़ा सा मजा खराब, बट पता क्या बारिश हो ना मज़ा भी यार आता है, जैसे अबे बारिश होगी मज़ा कहाँ से आएगा भाई, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मज़ा आया था जब बारिश हो रही थी ऊपर, तो चलते यार सीधा अभी श्रीनगर डल गेट, वहाँ पे रुकेंगे और ना कुछ रीले वगैरह बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम वहाँ पर का व्यू आता है, तो मिलते सीधा यहाँ पे ना, बारिश पड़ी है पहले भी शायद, यहाँ पे ना रात को बारिश पड़ी है, अभी ना पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है रोड के ऊपर, तो ना बाइक से ना सारा पानी ऊपर आ रहा है, मटगाट तो मैंने उतारा हुआ है उस वजह से ना। सो फाइनली अभी हम पहुँच चुके श्रीनगर, अभी ना अपनी एक टंकी ख़त्म हो चुकी है, अभी ना दूसरी टंकी फुल होने वाली है, एक टैंक लग चुका है श्रीनगर तक, रजौरी से श्रीनगर हैं पता नहीं यार, अब रजौरी से श्रीनगर ही आई है, हाँ नॉर्मली डालेंगे।
हम पहुंच चुके हैं डल गेट, गेट नंबर वन पे। और ये देख लो यार, इंग्लैंड के लोग पहुंचे हुए हैं, इंग्लैंड के अमेरिका के हैं, गोरे गोरे खान पहुंचे हुए, हमारे गोरे खान। ओ भाई ओसम है यार, व्यू चेक कर रहे हो गाइस। हम तो ढूंढ रहे हैं कहीं बाइक लगने की जगह मिल जाए, बट वो ही नहीं मिल रही यहाँ पे ना, बाइक वगैरह लगवाने नहीं दे रहे साइड पे, जगह ही बहुत कम है यार। और पब्लिक देख लो, रश बहुत ज़्यादा है गाइस। अभी हम पहुँच चुके हैं डल गेट में, और डल गेट का व्यू आप चेक कर सकते हो, अभी कितने सेक्सी व्यू आ रखा है डल गेट का। और गाइस मैं आपको चेक करवा लूँ, ये पीछे शाहजान भाई क्या कर रहे हैं, शाहजान भाई क्या कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ तो बताओ मुझे राइड कैसी भी रही, कैसी रही राइड? जबरदस्त राइड रही यार, ये चीज़ देखे ना फील होता है। और भाई अभी हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे शिकारा में बैठेंगे, तो जो पार डल गेट है वहाँ पे मतलब शिकारा में जाएंगे। और शाहजान भाई आप बता सकते हो कि मतलब यहाँ का रिव्यू वगैरह क्या है? क्या नहीं यार, जन्नत है, जन्नत में आ गए हम, दुनिया में जन्नत है तो यही है। और गाइस हमारे बैग की हालत देख सकते हो, बैग की हालत बेकार, बिल्कुल बेकार हो रखी है, और बाइक की बेकार हालत हो रखी है। और अभी हम शाहजान भाई अभी हम वहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी फिलहाल श्रीनगर भी आ रहा है, आई रात को रुकना है, तो आई रात को हमने स्टे करना है श्रीनगर, और पूरा श्रीनगर में घूमना है, उसके बाद देखेंगे क्या सीन आगे नेक्स्ट कहाँ चलना है। तो ठीक है, बाइक के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाइक को जितना ज़्यादा बाइक को जितना ज़्यादा प्यार दो, बाइक को इतना प्यार दो बाइक को कि भाई तुम्हारा प्यार झेल ना पाए, बस बस यही होना चाहिए। हमें डल गेट में, और ना बारिश हो गई है स्टार्ट फिर से, तो आगे ना बहुत गंदे वाला सीन रहने वाला है, क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है कल की तरह। कल यूँ हफ्ते बारिश पड़ी थी, आज फिर बारिश स्टार्ट हो गई है मयूर, आज फिर गीला होना पड़ेगा हमें। गीला तेरी वजह से हो रहे हैं भाई, मैंने तेरे को बोला था रेनकोट लेके आना, गीला तेरी वजह से हो रहे हैं। हम इसको मैंने बोला था रेनकोट लेके आई, इसने ना फिर घर छोड़ के आया, मुझे भूल गए। अब भाई गिला हो, बारिश की भी देख लो यार, बारिश होना स्टार्ट हो गई है, चेक कर रहे हो? और व्यू चेक करो यार, कितनी ज़बरदस्त व्यू है, मौसम।